नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, पर्सनल चीज़ें थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। बहुत सारे रीजन्स थे जिनको कि इस वीडियो के माध्यम से बताना बहुत ही मुश्किल है। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अगर अपने लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो आपको बैंकों से कैसे बात करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिक्योर्ड लोन है या फिर अनसिक्योर्ड लोन है, किसी प्रकार का कोई भी लोन है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बैंक से बात करना। कभी कभी बहुत सारे लोग बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं बैंकों से बात करने में। तो अगर बैंकों से अगर आप सही तरीके से बात नहीं करेंगे तो बैंक आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। साथ ही साथ आज मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे बात करना है, अपने लोन का सेटलमेंट कराने के लिए कैसे और किस तरीके से बात करना है। देखिए, लोन में पैसे को कम करवाना होता है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैसा अगर लाख और 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख, अगर आपको इतनी बड़ी धनराशि को कम कराना है तो ऐसे सिचुएशन में आपको बैंक से बहुत ही बारीकी से और बहुत ही गंभीरता से बात करनी है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो केवल मेल करते हैं और मेल करके चुपचाप बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बैंक उनकी बात को रिप्लाई देगा, लेकिन बैंक उनके मेल का रिप्लाई नहीं देता है। इसके पीछे का वजह ये है कि बैंक के पास लाखों ऐसे कस्टमर्स हैं जो उसको हर सेकेंड ईमेल करते हैं। तो यहाँ पे बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वह ईमेल का जवाब दे। अगर आपका ईमेल पहुँच भी गया, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, किसी के भी पास पहुँच गया, तो वो आपके मेल का रिप्लाई देना उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा वह समझता है, क्योंकि आप एज ए कस्टमर हैं और वह बैंकर है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा ईगो होता है। तो अब कहेंगे कि आपको बात कैसे करनी है। देखिए, अगर आप अपने लोन का सेटलमेंट कराना चाहते हैं और अच्छा खासा जो रकम है उसे आप माइनस या फिर वेव ऑफ यानी माफ़ करवाना चाहते हैं या छूट प्रदान चाहते हैं, तो आपको बैंकों के साथ प्रॉपरली बात करना होगा, बैठ करके फिजिकल मीटिंग के साथ। देखिए, आप रीजनल मैनेजर के चैम्बर में आप जाने की कोशिश करिए, आप उनसे एक दफ़ा मिल लिए, इससे काफ़ी नहीं है, यानी कि इससे काम चलने वाला नहीं है। आप उनके चैम्बर में जाएं, उनको 2, 3, 4, 5 जितना मीटिंग आपसे हो सके, जितना आपको ऐसा लगे कि इतनी मीटिंग करना पर्याप्त है, तभी आप वापस आइए। और जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक आप उनको मतलब मिलते रहिए, परेशान करते रहिए। अगर हम ये कहें, आपने बचपन में देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्हें कुछ चाहिए तो बस चाहिए वो किसी भी तरीके से, तो इसी तरीके से आपको भी बात करना है। देखिए, अगर आप कन्विंस करने की अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, अगर रीजनल मैनेजर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर उससे वह संतुष्ट हो जाता है, तो यकीन मानिए बड़े बड़े लोन में भी 5 से 10 लाख रुपए कम हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही चालाकी से बात करना है। बात करने के तरीकों में आपका मेल करना नहीं आता है, हालांकि मेल आप कर सकते हैं, वो फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन अगर आप लेटर के माध्यम से करस्पॉन्डेंस भी करते हैं, यानी कि आप लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो भी वह पर्याप्त नहीं होता है। आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको एक सादे पेपर पे बहुत ही सिंपल भाषा में लिख करके आप रीजनल मैनेजर को हाथों हाथ दे दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं, आप उस समय बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको हिचकिचाहट महसूस होती है। तो आपको फ्रैंकली बात करना है और सब कुछ पहले से लिख कर लेकर जाना है। कुछ बातें अगर छूट भी जाएं तो उस लेटर में, उस पत्र में वह लिखा रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप जा कर के बैठ करके बात करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके लोन में अच्छे खासे पैसों की
कटौती हो सकती है, यानी कि आपको अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। तो मित्रों, आप इसी तरीके से जाएं और अपने लोन का सेटलमेंट बेधड़क कराएं और आसानी से कराएं, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे अपने लिए लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।